गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हो सकता है आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो, तो अगर पढ़ चुके हो तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि कौन सा चैप्टर आप नहीं पढ़े हो। ठीक है, जो चैप्टर आप नहीं पढ़े होंगे आपको वही पढ़ाया जाएगा। अभी मेरी जानकारी में नहीं, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स समझने के पहले हम लोग को समझना पड़ेगा ये दोनों हैं क्या। तो ये दोनों जो हैं वो एलिमेंट के पार्ट हैं। ठीक है, एलिमेंट। ठीक, जैसे कि तुम लोग ए बी सी डी पढ़े होगे, जैसे ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे होता है ना। इसी में तुम लोग का कुछ जो होगा वो होता है क्या, भॉवेल, ए ई आई ओ यू, ये भॉवेल होता है, और बाकी सबके सब जो होंगे वो कॉन्स्टेंट होते हैं। वैसे ही क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स ऑफ मैटर हमारे पास प्रेजेंट है इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर नेचर। ठीक है, तो जो सामान या जो एलिमेंट्स हमारे, जो मैटर हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या है, वो है एलिमेंट। और इसी एलिमेंट के दो कौन है, तो एक को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट वन इज नोन एज मेटल एंड द अनदर वन इज नोन एज नॉन मेटल। एक को हम बोलेंगे कि एक जो होगा वो मेटल है, वहीं पर जो सेकेंड वन जो है वो क्या है, वो है नॉन मेटल। क्लियर है, तो मेटल क्या है, तो मेटल इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के एक्चुअल में तीन पार्ट होते हैं, एलिमेंट जो होगा वो तीन पार्ट का होता है। ठीक है, एलिमेंट तीन होते हैं, एक को हम बोलते हैं मेटल और एक को बोलते हैं हम नॉन मेटल, तीसरे को हम बोलते हैं बीच वाला जो होगा वो कहलाता है आपका मेटलॉइड, थर्ड वन जो होगा वो कहलाएगा मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ठीक, आप ही क्लास में बस ये दिया हुआ है कि मेजरमेंट के दो टाइप्स होते हैं, मेटल नॉन मेटल, लेकिन आप ध्यान रखोगे आगे क्योंकि क्लास 9 में हम लोग पढ़ेंगे इनके बीच में, जो कि मेटल की भीतर बिहेव करे, थोड़ा सा नॉन मेटल की तरफ बिहेव करे, उसको हम बोलते हैं क्या, वो कहलाता है आपका मेटलॉइड। ठीक, अब किसको बोलेंगे, ठीक है, तो मेटल्स इसमें किसको बोला जाएगा और नॉन मेटल्स किसको बोला जाएगा। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझने के लिए हम तीन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर्टी होगी, इसको हम बोलेंगे मैलेबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी, इसको हम बोलेंगे डक्टिलिटी। और तीसरी जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम बोलेंगे ब्रिटल। मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलिटी। ठीक है, क्या होगा मैलेबिलिटी, क्या होगा डक्टिलिटी, इसमें समझते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पीटे, ठीक है, पीट रहे हैं, हैमर कर रहे हैं, और हमें करने के बाद वो थिन शीट में बदलते चला जाए, जैसे ये देखो यहाँ पे बना हुआ है ना, इस बोर्ड का ये साइज जो लगा हुआ एल्युमिनियम का, इसको हम पीट रहे हैं, शीट में बदलते चला जाए, ठीक है, तो वो चीज़ उसकी मेलेबिलिटी कहलाती है। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर टू बी बीटे इन टू थिन शीट्स इज नोन एज मेलेबिलिटी। ठीक है, वही दूसरा अगर कहें हम लोग, तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर टू बी ड्रॉन इन टू अ लॉन्ग वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। अगर हम उसको वायर बना ले रहे हैं तो कहलाएगा डक्टिलिटी। जैसे घर में कॉपर का वायर तुम लोग देखते होगे, ठीक है, या आयरन के वायर तुम लोग देखते होगे, तो जो भी अगर तुम उसको वायर बना ले रहे हो तो वो कहलाएगा उसका क्या, वायर बना ले रहे हैं। अगर हम उसका वायर बना ले रहे हैं तो वायर बनाने का मतलब हुआ कि वो क्या है, तो वो डक्टाइल है, और वो प्रॉपर्टी वायर में डेवलप करने की डक्टिलिटी कहलाती है। शीट बना दिए, घर में गेट देख रहे हो या एल्युमिनियम फॉइल देखे होगे, ये अगर शीट बन जा रहा है तो वो मेलेबिलिटी है। ठीक है, अगर उसका वायर खींच दे रहे हैं लंबा सा, लंबा अगर होते चला जा रहा है तो वो जो होगा वो डक्टिलिटी है। और अगर उसको हम तोड़े, और तोड़ने के बाद क्या होगा, बेचारा ब्रेक कर गया। जैसे कि अब तुम अगर लकड़ी को खींचने का ट्राई करोगे तो खींचा नहीं जाएगा, टूट जाएगा। लकड़ी को ठोकने का ट्राई करोगे तो वो क्या होगा, वो पतला नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तो वो जो होगा वो कहलाएगा क्या, तो वो कहलाएगा उसकी डक्टिलिटी। ठीक है, सॉरी, अगर वो टूट जा रहा है तो वो कहलाएगा क्या, तो ब्रिटलनेस। ठीक, ब्रिटलनेस। क्लियर है, अगर थिन शीट में डेवलप हो गया तो मेलिएबल है, अगर वायर बन गया तो डक्टाइल है, और अगर थिन शीट में भी डेवलप नहीं हुआ, ना वायर बना, पीटने पर वो टूट गया, खींचने पर वो टूट गया, तो वो क्या है, वो ब्रिटल है। तो हम जरा डेफिनेशन लिख लें, मेलिएबल द सब्सटेंस विच कैन बी हैमर्ड into thin sheets is known as malleable।
सब्सटेंस एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलियाबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द सब्सटेंस विच कैन बी हैमर्ड इन टू थिन शीट्स इज नोन एज मैलिएबल सब्सटेंस एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो और तुरंत जो होगा आप उसको लिख डाउन कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दूसरा डक्टिलिटी, डक्टाइल, ठीक है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखिए, द सब्सटेंस विच कैन बी ड्रॉन इन टू लॉन्ग वायर इज नोन एज डक्टाइल सब्सटेंस एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। ठीक है, तो मैलेबिलिटी क्या हो गया और डक्टिलिटी क्या हो गया। अब एक बचा आपका फ्रेगाइल या ब्रिटल, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।